दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवर और इस वक्त हम मौजूद हैं शांतिवन की रेड लाइट के पास और यहां चारों तरफ दिल्ली में जो यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है उसका जीता जागता सबूत आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना में आई बाढ़ का पानी लाल किले से लेकर शांतिवन की तरफ जा चुका है और आसपास लोग काफ़ी इकट्ठा हैं। यहाँ पर कई आपको ऑटो रिक्शा भी मिल सकते हैं। यहाँ पर ये भाई साहब से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा भुवनेश। अच्छा भुवनेश जी, ये ऑटो बंद पड़ गया क्या? नहीं, अपने आप कराया, धो रहे हैं ऑटो को, धुलाई कर रहे हैं। ऑटो की धुलाई कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। बाढ़ के पानी से ऑटो की धुलाई कर रहे हैं? क्या करें फिर, खाली है, कुछ टाइम काम है नहीं, क्या करें, कुछ तो करेंगे, खाली अपने टाइम में टाइम कर रहे हैं अपने। जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उससे नुकसान हो रहा है कुछ? बिल्कुल नुकसान ही है, काम धंधे सब बेकार हो गया, जनता परेशान है, आने जाने के सारे रास्ते रूट बंद हो गए, क्या कहाँ जाएगा आदमी। क्या लगता है किसकी वजह से ये स्थिति हुई है? ये तो ऊपर वाले की देन है, इसमें क्या कर सकता है कोई, बताओ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि सरकार ने काम ठीक से किया नहीं। सरकार क्या पानी रोक लेगी? सरकार रोक लेगी पानी को, बताओ? अगर रोक ले तो हमें बता दो आप। ये तो ऊपर वाले की, अगर अभी और तेज पानी आ जाएगा तो क्या करोगे, अभी और बह जाएगी, और बढ़ जाएगा पानी, जमना तो जमना है, इसमें केजरीवाल क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, जो तो ऊपर वाले की देन है, इससे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोकेगा। तो आप इसीलिए यहाँ पर अपना ऑटो रोक कर सफाई कर रहे हैं? काम धंधा नहीं है, सफाई तो करेंगे, क्या करें, कहाँ जाएं, कोई काम है नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या है? दिनेश। अच्छा दिनेश जी, कभी ऐसा नज़ारा देखा दिल्ली में? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। मैंने सुना ही सुना था कि इतना पानी आया, तो वही देखने के लिए हम यहाँ पे लोगों का आए। उस तरफ हम जाएंगे तो लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति है, सरकार खाना सही से मुहैया नहीं करा रही है। तो हमारी अभी हम लोगों का एक टीम है लिप्स एंड बाउंड, तो वहाँ पे हम जाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके आए खाने के पैकेट्स, पर उधर पानी की बहुत समस्या है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो सभी पार्टी आ रही है, अपने लोगों लगा के जा रही है, और उनकी उस ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रही है जो करना चाहिए सरकार को। सरकार काम नहीं कर रही है ग्राउंड लेवल पर? सरकार तो कह रही है कि काफ़ी सारे राहत शिविर लगाए हुए हैं, कैंप्स लगाए हुए हैं। मैम, राहत शिविर के अलावा भी उनको मुहैया बेसिक चीज़ें करानी चाहिए, बस उन्होंने टेंट गाड़ के ख़त्म कर दिया है। और ये पानी भी इतना सारा हुआ है जो यमुना के रेस से बहुत सारा अतिक्रमण सरकार करा रही है, वो अगर नहीं होता तो ये पानी यहाँ तक नहीं आता। आप बताइए। पहली बात तो है सर, ये सरकार की कोई गलती नहीं है कि पानी पीछे से आ रहा है, और यहाँ का नहीं है खाली, इसी सरकार की बात नहीं है, हरियाणा कुल्लू मनाली आप देखो क्या हालत हुई है सब जगह की। तो उन लोगों ने जो पानी छोड़ा है, तो पानी अगर जो पानी छोड़ेंगे तो वो लोग डूबेंगे, और अगर जो वो लोग डूबेंगे तो उन्हें थोड़ा बहुत अपना सहायता तो चाहिए ना, थोड़ा आराम चाहिए, उन्होंने थोड़ा आगे पानी छोड़ा है तो वो भी पानी आहिस्ते आहिस्ते छोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इतनी निकासी नहीं है क्योंकि लोगों ने जमुना के अंदर घर बना लिए, जमुना को छोटा कर दिया। मेन वजह ये है कि जमुना ने वो छोटी कर दी क्योंकि सारे घेर लिए हमने जमुना, तो जमुना अपनी जगह चाहिए ना। जो पानी पीछे आया था पहले, आज से पहले चली जाइए, अब 30 साल पहले जमुना कितनी बड़ी थी और आज देखिए कितनी बड़ी जमुना है। अच्छा कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो पैदाइशी यहीं पर ही हूँ, तकरीबन 54 साल की उम्र है मेरी, मेरे बाप दादा सब यहीं पर रहते थे। तो 45 साल पहले 1978 में बाढ़ आई थी जी, जी तब बताते हैं लोग कि इस तरीके से हर जगह पानी पानी हो गया था, आपने कभी देखा? 8-9 साल का था तब, हम लोग आए थे अपने बड़े भाई के साथ, तो हमने देखा था लाल किले तक पानी गया था। हालांकि पानी भी वहाँ तक नहीं गया कि पहले जो पानी गया था लाल किले की दीवार तक चला गया था, लाल किले की दीवार जो है वो छू लिया था हमने पानी। अभी तो ये डिवाइडर की वजह समझ लो या कुछ भी समझ लो आप, तो वो यहाँ पर है लेकिन अभी दीवार पार नहीं करी। अभी जो लोग कहते हैं कि इतना हो गया, इतना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, हर बार ये होता है कि इस बार पानी बहुत ज़्यादा है, इस बार बहुत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो वो टाइम हाल था वो आज ये हाल नहीं है। अच्छा आपका नाम क्या है? यामीन। अच्छा यामीन, ये बताइए कि जो स्थिति हम आज देख रहे हैं, कल परसों से भी लगातार कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है, और यहाँ ये लाल किला है सामने, पीछे शांतिवन है, और यहाँ ढेर सारे लोग आए हुए हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, इन तस्वीरों को देख के क्या जहन में आता है? जहन को ये देखने आता है कि जमुना जहाँ पहले सुना करते थे लाल किले के पीछे से बहती थी, वहीं जमुना वापस आ गई लौट के अपने पास, जो सुना करते थे। अब बढ़ते बढ़ते लोगों ने दूर जंगल में पहुँचा दी थी, उस टाइम जंगल हुआ करता था इधर, तो अब जमुना अपने जगह पे आ गई वापस लौट के, ये देख के ये नमूना सामने आ रहा है। मतलब इतिहास ने खुद को दोहरा दिया, इतिहास ने अपने आप वापस आ गया जहाँ आना था। पर ये थोड़ा पानी छुटा हुआ है, 2-4 दिन रुकेगा ये, इधर ज़्यादा लोगों को तकलीफ रहेगी क्योंकि सारा पानी इधर ही जा रहा है। ये बाढ़ की स्थिति जो दिल्ली में देखने के लिए मिल रही है, इससे व्यापार पर, व्यवसाय पर, कामकाज पर कोई असर पड़ा? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बिजनेस वालों को बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि कस्टमर दिल्ली में जो आते हैं वो सुन के अब नहीं आएंगे, वो तो बाढ़ का सुन लिया वो रुक गए, नहीं आएंगे।
सबसे ज़्यादा बिजनेस वालों को बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा गर्ल्स जींस का बिजनेस है। मैंने सुना है कि यहाँ चांदनी चौक में भी पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया, वहाँ पर भी लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल होगी परेशानी, जब कस्टमर नहीं आएंगे और जब दुकानें पे दुकानदार पहुँचेंगे नहीं तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, सीधी बात है। क्या लगता है सरकार ने काम ठीक नहीं किया? इसमें सरकार का क्या, जब पानी पीछे से छुटा हुआ है तो पानी तो अपनी जगह पकड़ेगा ही, सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार पानी कितना रोकेगी? पानी तो अपना जो रास्ता बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है ना नाले नालियों की सफाई नहीं कराई, ड्रेन जो है उनकी सफाई नहीं कराई, डीसल्टिंग का काम नहीं हुआ। इसमें नाले नालियों से कोई मतलब नहीं है, ये जमुना का पानी है, जमुना में छोड़ा गया। फर्क इतना है कि जमुना छोटी कर दी गई है, लोगों ने घर बना लिए जमुना को छोड़, जमुना जितने जो अवैध कॉलोनी बनी हुई है। हाँ जी जी जी, जो जमुना होना चाहिए पूरी उतनी जमुना नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। अच्छा शहबाज जी, ये बताइए, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि कभी ऐसा नज़ारा दिल्ली में देखा क्या? नहीं मैडम, पहले तो नहीं देखा, पहली बार हुआ है ऐसा नज़ारा, पहली बार देखने को मिल रहा है। और देखते क्या होता है, अब तुमने देखा है 3 दिन में क्या बुरा हाल हो चुका है दिल्ली का। इसमें दिल्ली सरकार की कोई गलती नहीं है, दिल्ली के CM श्री अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि जो पानी हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा है प्लीज़ इस पर ध्यान दिया जाए। दिल्ली की जनता देख रहे हो कितना बुरा हाल है। मैं जमुना पार से आ रहा हूँ, अभी तक ISBT गया वहाँ बुरा हाल था, राजघाट आया यहाँ बुरा हाल है, आगे ITO का बुरा हाल आपको पता ही है, NH-24 खोल रखा है उस पर इतना बुरा हाल है मैडम, सारा तोड़ दिया है, वो नया फ्लाईओवर बना हुआ सारा तोड़ दिया है। इसमें दिल्ली सरकार की कोई गलती नहीं है, वो बेचारे मांग कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में बारिश पड़ो 4 दिन हो गए, दिल्ली में कोई बारिश नहीं है। ये खाली पानी जो आ रहा है वो हथनी कुंडी का आ रहा है, हरियाणा का पानी आ रहा है, दिल्ली का कोई पानी नहीं है। क्योंकि अगर दिल्ली सरकार जितनी उनसे हो रही है, अभी अभी मैं मिल के आ रहा हूँ, ये हमारे कुलदीप जी विधायक है त्रिलोकपुरी से, वो बेचारे लगे हुए है। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं मैडम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आम वोटर हूँ। हाँ इसमें ये बाहर से आ रही है बाहर। अच्छा, आप कहाँ, आपका नाम क्या है? जसविंदर कौर। अच्छा जसविंदर जी, ये बताइए कि आप यहाँ घूमने आई हैं क्या? हाँ इंजॉय करने आए हैं, ये पता नहीं कब मौका मिलेगा। अच्छा तो यहाँ लोग जो है वो घूमने के लिए और इसे पिकनिक स्पॉट बना लिया गया है, इस तरीके से यहाँ लोग आ रहे हैं? क्योंकि ये हमारा हाथ ही नहीं है, तो कुदरत की मार पड़ रही है, इसमें सरकारें भी कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये पानी जब किसी के घर पे कोई फेंक दिया जाता है तो वो क्या करेगा, वो कोशिश कर रहे हैं संभालने की, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, बट देखो ये पानी जा ही रहा है। अब कभी देखा ऐसा नज़ारा दिल्ली में? कभी भी नहीं देखा, तभी तो फोटो लेने आई है, सेल्फीज क्लिक कराने आए, बहुत सेल्फीज लिए, वीडियोज लिए, हमने इंजॉय किया, बाकी पब्लिक इंजॉय ही कर रही है, सरकार को कोस रही है वो अलग बात है। कह रहे हैं कि पब्लिक इंजॉय कर रही है, लेकिन कई जगह पर पानी की किल्लत भी हुई है, पानी लोगों के घर में भी घुस गया है, लोगों को बड़ी समस्या हुई है, आपके आसपास कुछ इस तरह की तस्वीरें? मेरे यहाँ पे सब कुछ फुल सब ठीक है, सब सूखा है, मैं अभी आई हूँ वहाँ से, पूरा पुल पार करके आई हूँ, कुछ भी नहीं है। कहाँ पे, कहाँ पे? ये सिर्फ निचले इलाकों में जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं ना, उनको दिक्कत आई है, मकानों को भी कुछ नहीं हुआ, मकानों तक ये पानी आ भी नहीं सकता। दिल्ली सरकार इतनी मजबूत है ना, ये पानी आने नहीं देगी, हमें इस पे विश्वास है, भरोसा है आपको? बिल्कुल, तभी खड़े हैं पानी के अंदर, वरना घर हो चुका है आपके पैरों तले, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है ये, हमें ये हमें CM साहब खुद उतरे हुए थे, CM साहब खुद उतरे हुए हैं हमें यहाँ पर, हमारे बाप धोने आई CM साहब खुद उतरे हुए हैं मैदान में, CM साहब खुद जा रहे हैं, आतिशी जी जा रही है, हमारी मंत्री है वो जा रही है, लेकिन कोई BJP का देखा है आपने? कोई नहीं है, सब अपने घर में बैठे हुए है। और काम ही आम आदमी पार्टी वालों का ही है जो कर रहे हैं, सिर्फ वो नाम नहीं कर रहे वो अलग बात है, हम भी नहीं कह रहे कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी है। फ्लाईओवर पे विधायक जी मिलेंगे, कुलदीप जी, अरे कल अपनी गाड़ी लेके, मैं कल भी आई हुई थी, तब यहाँ पानी नहीं था, तब स्टार्ट हो रहा था वहाँ से, मेरी कल की वीडियो भी वहाँ, कल भी मैंने एंकर्स को ये दिया है न्यूज़ की वहाँ पे पानी अभी नहीं आ रहा, और हमें पूरा भरोसा आगे नहीं आएगा, और खाना पानी सब मिल रहा है, खाना पानी मिल रहा है, ये पिकनिक स्पॉट बन गया है, बच्चे आ रहे हैं घूमने के लिए, पेरेंट्स बच्चों को दिखाने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए आपने देखा कभी ऐसा नज़ारा? मैंने यहाँ तक कभी नहीं देखा, 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, कभी नहीं देखा। अभी हम आते हैं कैलाश नगर से आते हैं जी, जिंदगी में पहली बार हमने देखा कि इतना पानी दिल्ली के अंदर आया हुआ, इसके पहले लोग कहते हैं कि आया था, कई सालों बाद आया था, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा पानी आया है, और इतना भयंकर पानी हमने कभी नहीं देखा, अपने जियो ने कभी नहीं देखा था, लेकिन जियो ने पहली बार देखा, 20 साल से दिल्ली रह रहे हैं, हाँ इतना नहीं आता, आया था लेकिन जमुना जिस सीमा के बगल किनारे से वहाँ से चले गए थे, लेकिन पहली बार जियो में इतना पानी हम लोग देखने को मिल रहा है पहली बार।
इसमें नुकसान। लोग भी उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है मेरा। दीपक क्या घूमने आए यहाँ पे? जी घूमने आए थे, देखने आए थे। एक्चुअली में हमारा ना जिम का रास्ता भी यही है, तो हमारे को जिम जाने बहुत मुसीबतें करनी पड़ रही है। गाड़ियाँ भी हमने वहाँ खड़ी कर दी अपनी, तो हम सोच रहे थे कि कौन से रास्ते से निकले, लेकिन हमारे को देखा, हम पहले ITO गए वहाँ का रास्ता बंद, दिल्ली गेट गए वहाँ का रास्ता बंद, यहाँ आए तो यहाँ तो स्विमिंग पूल बना पड़ा है, हद से ज़्यादा ही पानी है यहाँ तो, और घरों में पानी नहीं है। हम सोच रहे थे घर का पानी हम भर भर के बाहर से लेकर के आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, 40 रुपये की बोतलें मिल रही है, इतनी महंगी करके 20 की बोतल जो 40 की मिल रही है, हर कोई हर चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, खाने से परेशान। टमाटर देखो कितने महंगे हो गए, 200 रुपये किलो टमाटर होगा यार, बंदा खाएगा क्या, कमाएगा क्या, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम इस टाइम तो। लग रहा है कि सरकार ने तैयारी नहीं की, बारिश कितनी, जिस तरीके से बारिश हुई थी, और बारिश से पहले जो मानसून के लिए तैयारियां होती हैं, नाले नालियों की सफाइयां होती है, जब 2 दिन बारिश हुई थी 8 तारीख को और 9 तारीख को, उस दिन भी पानी जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा भर गया था। हाँ भरा तो था, बट अगर उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी होती तो ये सब चीज़ हमारे को देखने को नहीं मिलती, बट क्योंकि उन्होंने कोई तैयारी नहीं थी। अभी तक आप देख लो यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं दिख रहा होगा जो रेन से नेताओं से जुड़ा हुआ हो, सब अपने घर में आराम से बैठे हैं, हम आम पब्लिक परेशान होकर फिर रही है, और कोई नहीं। अब जमुना के पुल पर चले जाओ, बेचारे गरीब कितने हैं, सारे रोडों पर आए हुए हैं, मच्छर पता नहीं क्या क्या जानवर निकल रहे हैं आजकल के टाइम में, छोटे छोटे बच्चे लेकर खाने से परेशान हुए पड़े हैं वो लोग। यहाँ क्या देखने आयो? यहाँ AC मिल गया था, ये पानी भरा हुआ मिल गया था, AC रुक गया। पानी भरा हुआ ये देखने आयो? जी। कभी देखा है ऐसा? अभी आज से पहले नहीं देखा। आज से पहले नहीं देखा, तो कौन कौन आया साथ में? पापा है। पापा दिखाने लेके आए? पापा के यहाँ पर बच्चे जो है वो घूमने आए हैं कि ये जो लाल किले के पास जो पानी बह रहा है उसे देखें, उसे एंजॉय करें। ये ऐसी ऐतिहासिक तस्वीर बन गई है दिल्ली में कि यमुना में जो बाढ़ आई है उसका पानी फिलहाल सड़कों पर है, लाल किले के पीछे कभी यमुना बहा करती थी शुरुआत में, और आज वही तस्वीर जो है दोबारा जिंदा हो गई है, इतिहास खुद दोहरा रहा है अपने आप को, और लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है, परेशानी हो रही है। तो दिल्ली में लगातार यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है, 208.66 मीटर तक पहुंच गया था, जिसमें अब थोड़ी सी कमी आई है। फिलहाल उम्मीद ये की जाएगी कि जिस तरीके से जल स्तर घट रहा है वो और नीचे जाए और लोगों को दोबारा से अपने घर मकान में वापस जाने के लिए रास्ता उन्हें मिल जाए, क्योंकि लोगों को रेस्क्यू किया गया तटीय इलाकों से जहाँ पानी भर गया। फिलहाल यहाँ जहाँ हम खड़े हैं शांति वन की रेड लाइट पर, यहाँ तो सैलानियों का जमावड़ा लगा है, दिल्ली के ही लोग हैं और यहाँ पर आकर ये व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ कुकरेजा के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक के लिए।